नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं यार आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच में होने वाले आईपीएल के क्वालिफाइड नंबर 2 के बारे में। एक और नॉकआउट मैच है ना, जो भी टीम ये वाला मैच हारेगी वो इस आईपीएल के सीजन से बाहर हो जाएगी और जो भी टीम ये वाला मैच जीतेगी वो फाइनल में चली जाएगी, जहां पर ऑलरेडी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इनका इंतजार कर रही है। काफी इंपॉर्टेंट मैच है और एक इंटरेस्टिंग सी बात ये है दोस्तों कि अभी जो पिछले दो मैच हुए ना, क्वालिफाइड नंबर 1 और एलिमिनेटर, ये दोनों मैच हुए थे नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, लेकिन आज वाला ये जो मैच है ये खेला जाएगा चेपक स्टेडियम चेन्नई में। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज वाला जो मैच है ना वो एक एंटायरली न्यू पिच पर खेला जाएगा, नई पिच पर खेला जाएगा, जहां पर अभी तक कोई भी मैच नहीं खेला गया है। तो आज वाले मैच का जो पिच है ना वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड भी बिहेव कर सकता है ना। ये अपडेट अपने पास अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इसीलिए वीडियो लाने में भी थोड़ा सा लेट हो गया। बाकी दोस्तों दोनों ही टीम की तरफ से आपको जी जान झोंकते हुए दिख जाएंगे इस मैच में, क्योंकि दोनों ही टीम्स के लिए डेफिनेटली हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच है ये वाला। और हम भी अपनी जी जान झोंकेंगे हमेशा की तरह, इस मैच में प्रॉफिट कमाएंगे, चिंता मत करो है ना। आपके प्रॉफिट कमाने का दोस्तों जो राज है वो मैं इस वीडियो में लेके आ चुका हूं। इस मैच की एकदम टॉप क्लास एनालिसिस आगे इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरा देखना है, अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि ये एनालिसिस आपने समझ ले इसका मतलब है कि काम हो गया है ना। आप अपने आप एक काफी शानदार टीम इस मैच में बना पाओगे और काफी अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे, फिर चाहे से पिच कैसा ही बिहेव करे है ना। तो भाई वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना, पिच के बारे में भी काफी डिटेल में हम आगे वीडियो में बात करेंगे और भी बहुत अच्छी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों देखो यार, चलो आईपीएल तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है, लेकिन प्रॉफिट तो आगे भी कमाना है ना। इस आईपीएल के सीजन में तो हमने कमाई लिया, लेकिन आगे भी तो प्रॉफिट कमाना है मेरे भाई। और आगे आ रहा है T20 वर्ल्ड कप है ना, उसमें हम बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे और उसके बाद भी जो है क्रिकेट के मैच तो चलते रहेंगे। तो यार देखो, अगर आपको आगे भी हमारे साथ ड्रीम इलेवन वगैरह पे काफी अच्छा प्रॉफिट कमाते रहना है तो मेरे भाई देखो, आपको कुछ भी नया काम नहीं करना, आपको वही काम करना है जो लगभग 7 लाख लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या करना है वो देखो यार, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन आ रहा होगा। आप में से जिस भी भाई ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से उस बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ दोस्तों उसके बगल में जो बेल आइकन आएगा वो दबा के ऑन कर लेना, उसकी वजह से सारी अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहेगी और आपकी विनिंग होती रहेगी, आपका प्रॉफिट होता रहेगा है ना। लाखों लोग दोस्तों ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगेगा, लेकिन ये चैनल आपको पैसे कमा के दे सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा लो है ना। खैर बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो के बारे में। तो यार इस वीडियो में तो आपको इस मैच से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, बहुत अच्छी एनालिसिस हम करने वाले हैं। फिर हमेशा की तरह दोस्तों आगे इस वीडियो में हम इस मैच की एक टीम बनाएंगे, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों वो जो भी टीम अपनी इस वीडियो में बनेगी वो फाइनल टीम तो होगी नहीं। आपको भी पता है अभी तक इस मैच का टॉस नहीं हुआ है और टॉस होने के बाद अपने पास फाइनल प्लेइंग 11 आती है, फाइनल पिच रिपोर्ट आती है, जिसकी वजह से अपनी टीम में चेंजेज हो सकते हैं है ना। तो अपनी दोस्तों इस वीडियो वाली टीम में जो भी चेंजेज होंगे, जो भी अपडेट होंगे वो करके अपनी जो भी फाइनल टीम होगी इस मैच की, जिससे मैं खुद भी खेलूंगा एंड ऑफकोर्स जिससे अपनी पूरी फैंटेसी सपोर्ट की फैमिली भी खेलेगी, वो हमेशा की तरह दोस्तों टॉस के बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा है ना। तो यार अगर आप में से किसी भाई ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मेरे भाई देखो, हमारा टेलीग्राम चैनल भी आपको अपनी साइड स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा। फिलहाल में दोस्तों 190,000 से भी ज्यादा लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए है ना, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप उनमें से नहीं हो तो मेरे भाई टेलीग्राम चैनल की जो ज्वाइनिंग लिंक है ना वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो 1-2 सेकंड के अंदर एकदम फ्री में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे। लाखों लोग जुड़ रखें एकदम फ्री में हमारी फाइनल टीम्स और अपडेट्स का रेगुलरली फायदा उठा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर आप उनमें से नहीं हो तो आपका मोस्ट वेलकम है। टेलीग्राम चैनल की ज्वाइनिंग लिंक मैंने आपको बताई दिया नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, उस पर क्लिक करो 1-2 सेकंड के अंदर एकदम फ्री में आप जुड़ जाओगे। ध्यान रखना एकदम फ्री में, फैंटेसी सपोर्ट के नाम पे किसी को भी कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। खैर बात करते हैं दोस्तों इस मैच के बारे में। तो यार आज शाम को 7:30 बजे एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेपक स्टेडियम में आज वाला मैच खेला जाएगा, ये बात तो मैं आपको बता ही चुका हूं है ना। अब दोस्तों हम बात करते हैं, देखो यार पिच और वेदर के बारे में काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एक बार के लिए अपना पूरा फोकस यहाँ पर रखना, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूँ मौसम की, तो मौसम वैसे तो एकदम क्लियर रहने वाला है, लेकिन चूंकि दोस्तों इवनिंग मैच है, इसका मतलब कि सेकंड इनिंग में यहाँ पर ड्यू आ सकती है और ड्यू आ सकती है, ड्यू एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। इसका मतलब है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो डेफिनेटली टॉस जीत के पहले बॉलिंग करना ही चाहेगी, टॉस जीत के चेस करना चाहेगी स्कोर को, ठीक है। तो वही बात है, आज वाले मैच में भी आपको टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का डिसीजन देखने को मिल सकता है। उसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं देखो पिच के बारे में, और पिच के बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले यार अगर आप में से किसी भाई ने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उम्मीद करता हूं कि आप वो लाइक का बटन एक बार दबा दो। आप लोगों के लिए एकदम फाइनल अपडेट के साथ में वीडियो लेके आता हूं, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है आपको पता भी नहीं है ये एनालिसिस के वीडियोस बनाने में है ना।
तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ एक लाइक। तो ज्यादा दोस्तों लाइक टारगेट भी नहीं है, ओनली 4000 लाइक्स का लाइक टारगेट है इस वीडियो पे, आई होप कि आप कंप्लीट कर दो। खैर दोस्तों हम बात करते हैं देखो यार पिच के बारे में, तो पिच कैसा रहेगा आज वाले मैच का, है ना, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यार इस सीजन में जो चेपक स्टेडियम के पिच है ना, उन्होंने थोड़ा सा बैलेंस बिहेव किया है। हमने दोस्तों 200 प्लस के स्कोर भी देखे हैं, लेकिन 200 से नीचे भी बहुत बार स्कोर बने हैं, है ना। इस सीजन में टोटल 7 मैच खेले जा चुके हैं और हमने 200 प्लस भी स्कोर देखे हैं, तो 200 से नीचे भी स्कोर देखे हैं। थोड़े से यू नो बैलेंस्ड टाइप यहाँ पर जो है पिच बिहेव किया है, यहाँ पर पेसर्स को भी सपोर्ट मिला है, यहाँ पर स्पिनर्स को भी सपोर्ट रहा है ना, थोड़े से वैसे से पिच रहे हैं। लेकिन आज वाले मैच के दोस्तों जो अपने पास अपडेट है अभी तक वो ये है कि एकदम फ्रेश पिच यूज किया जाएगा, और ये जो फ्रेश पिच है ना वो भी ऐसा है कि इसकी वजह से वन साइड स्क्वायर बाउंड्री बहुत छोटी होने वाली है, एक साइड की जो बाउंड्री है ना वो बहुत छोटी होने वाली है, उसकी वजह से ऐसा देख लेना आप तो कि उस साइड ही शॉट मारने का देखेंगे सारे के सारे प्लेयर्स ही, है ना। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो देखो चूंकि एक फ्रेश पिच है तो डेफिनेटली थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड बिहेव कर सकता है, अपने को नहीं पता कि जो पिच है वो कैसा बिहेव करेगा, हो सकता है जो पिच है वो स्लो बिहेव कर जाए, हो सकता है जो पिच है वो एकदम फ्लैट रहे और बैटिंग फ्रेंडली बिहेव कर जाए, कुछ ऐसा भी हो सकता है। मैं एक्चुअली थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, है ना, क्योंकि क्वालिफायर नंबर 2 है, थोड़ा सा एक्साइटिंग बनाना चाहेंगे इस मैच को, तो आई थिंक कि थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली पिच प्रिपेयर किया होगा इन्होंने, बाकी देखते हैं, है ना। उसके अलावा दोस्तों आज वाले पिच के ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक तो अच्छा बैटिंग सरफेस, उसके अलावा दोस्तों दोनों टाइप के बॉलर्स को थोड़ा थोड़ा सपोर्ट मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि भाई फास्ट बॉलर्स को भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो स्पिनर्स को भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। एवरेज स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों 190 से ऊपर का मान के चल रहा हूँ मैं आज वाले मैच का, कि यार 190 से ऊपर बन जाना चाहिए तभी जो है मैच थोड़ा सा एक्साइटिंग होगा। उसके अलावा दोस्तों जो भी टीम टॉस जीतेगी वो टॉस जीत के पहले बॉलिंग करना चाहिएगी, उसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके अलावा दोस्तों इस सीजन में जो 7 मैच इस पर्टिकुलर ग्राउंड में खेले गए हैं उनमें से 5 मैच उसी टीम ने विन किए हैं जिसने पहले बॉलिंग की थी, तो वो भी एक बात है, वो भी एक रिकॉर्ड सेट करता है ना। उसके अलावा दोस्तों आपको भी पता है कि ये एक डेमो पिच रिपोर्ट है, इस मैच की जो फाइनल पिच रिपोर्ट होगी वो अपने पास टॉस के बाद ही आएगी और वो मैं आपके साथ हमेशा अक्सर अपने टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर कर पाऊंगा। तो एक बार वापस बोल रहा हूँ मेरे भाई, टेलीग्राम चैनल तो आपको जरूर से ही ज्वाइन कर लेना है, उसकी ज्वाइनिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। चेपक स्टेडियम के दोस्तों T20 स्टेट्स की अगर मैं बात करूँ तो आज तक टोटल 135 मैच खेले गए हैं यहाँ पर T20 के, जिनमें से 71 मैच उस टीम ने विन किए हैं जिसने पहले बैटिंग की है, 62 मैच उस टीम ने विन किए हैं जिसने पहले बॉलिंग की है, है ना। बाकी जो रिकॉर्ड है वो आप देख लो, एवरेज स्कोर 162 का इन पूरे 135 मैचों का, आज वाले मैच का मैंने आपको बता दिया 190 के समथिंग जा सकता है। हाईएस्ट स्कोर सीएसके का है, लोवेस्ट स्कोर आरसीबी का है, स्कोरिंग पैटर्न वगैरह आप खुद भी देख सकते हो, कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको फटाफट से एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूं जहां पर कॉम्पिटिशन बहुत कम है और जीतना काफी आसान है, और यह बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने जीते हैं। आप देखो ना मेरी इस आईपीएल के सीजन के कुछ मैचों की विनिंग मैंने यहां पर डाली है, इस मैच में 2 लाख प्लस की विनिंग है, इस मैच में 1.5 लाख प्लस की विनिंग है, इस मैच में 1,40,000 की विनिंग है, और मैंने तो ये सिर्फ 3 मैच इंक्लूड किए हैं, बहुत अच्छी अच्छी विनिंग मैच जो है मैंने इस एप्लीकेशन पे की है। एप्लीकेशन का नाम क्या है, फोकस 11। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो सही बता रहा हूँ, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, कॉम्पिटिशन भी कम है, एंट्री फीस भी कम है और प्रॉफिट आसानी से होगा अच्छा वाला, है ना। फोकस 11 की दोस्तों जो डाउनलोड लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। देखो कभी किसी चीज को अगर आप ट्राई नहीं करोगे ना तब तक आपको उस चीज के फायदे पता नहीं लगेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको फायदे ही फायदे हैं, एक तो आपकी एंट्री फीस यहाँ पर बहुत कम लगेगी, ठीक है। ऊपर से दोस्तों एक यूनिक फीचर है जो कि आपको और किसी भी एप्लीकेशन पे देखने को नहीं मिलेगा, और वो है 6 प्लेयर फैंटेसी का, 5+1 फैंटेसी का काफी अच्छा फीचर है ना। इस मोड में ऐसे मान लो आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करोगे ना, आपको अपोनेंट जो आएंगे ना एकदम ही नूब रहने वाले हैं, एकदम ही ऐसे खराब सी टीम लेके आएंगे, आप आसानी से जीत सकते हो। किसी दिन अगर मान लो आपके नॉर्मल फैंटेसी होती है ना जिसमें 11 प्लेयर आप बना के टीम बनाते हो, है ना, अगर उस फैंटेसी में आपका लॉस भी हो जाता है ना तो आप 6 प्लेयर फैंटेसी में प्रॉफिट कमा पाओगे और अपना लॉस कवर कर पाओगे सेम ही मैच में। बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बता रहा हूँ, है ना। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है फोकस 11 को तो इसको डाउनलोड कर ही लेना, इसके डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर 1 मिनट आपको एक्स्ट्रा भी मिलती है, 7:30 का मैच है तो 7:31 तक आप अपनी टीम चेंज कर सकते हो, GST वगैरह यहाँ पर कुछ लगता नहीं है, तो सारे फीचर पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। एक बार वापस बोल रहा हूँ, डाउनलोड कर ही लेना, डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत शानदार एप्लीकेशन है, ठीक है। बाकी रीसेंट परफॉर्मेंस और हेड टू हेड रिकॉर्ड की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यार वो भी आपकी स्क्रीन के सामने, सनराइजर्स हैदराबाद ने दोस्तों क्वालिफायर नंबर 1 हार ही गया थे केकेआर के अगेंस्ट, उसी को तो जीत के केकेआर की जो टीम है वो गई थी फाइनल में, है ना। उसके अलावा दोस्तों पास्ट की परफॉर्मेंस मैटर करती नहीं है, प्लेऑफ की परफॉर्मेंस मैटर करती है ना। प्लेऑफ में दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, ये जो एलिमिनेटर मैच खेला था आरसीबी के अगेंस्ट उसमें जीत गए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। उससे पहले दोस्तों जरूर इनकी जो परफॉर्मेंस है वो खराब आ रही थी, बैक टू बैक 4 मैच हारे थे ये, लेकिन हाँ जहां पर मैटर करता था वहां पर इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया और अब डेफिनेटली आज वाले मैच में एक टक्कर दे सकती हैं ये सनराइजर्स को। हेड टू हेड में दोस्तों काफी एकदम टाइट मुकाबला है, पिछले जो 10 मैच इन दोनों टीम्स के बीच में खेले गए हैं उनमें से 5 मैच सनराइजर्स ने तो 5 मैच रॉयल्स ने जीते हैं। आज वाले मैच की अगर मैं बात करूँ तो देखो
आई थिंक कि रॉयल्स का पलड़ा थोड़ा सा भारी रह सकता है अगर वो सनराइजर्स को सनराइजर्स के जो ओपनिंग बैट्समैन है ना उनको जल्दी हटा दे, बस वो एक चैलेंज रहने वाला है। उसके बाद रॉयल्स की टीम आसानी से बाजी मार सकती है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। बाकी अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम टॉस जीत जाती है तब तो फिर इनके बल्ले बल्ले हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर मैं रिसेंट की बात करूं तो दोस्तों इस सीजन में एक मैच खेला गया था इन दोनों टीम्स के बीच में, जो कि मैच सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने जीत लिया था, लेकिन सिर्फ एक रन से जीता था। बहुत हद से ज्यादा क्लोज मैच था, राजस्थान रॉयल्स जीत जाती उस मैच को, लेकिन लास्ट की बॉल पे रोमन पवल फुल टॉस को मिस कर गए थे। वो कुछ ऐसा सीन रहा था अगर आपको याद हो, है ना। आज वाले मैच में मेरे को लगता है कि राजस्थान रॉयल्स की टीम बाजी मार सकती है, बाकी वो तो देखते हैं। अगर सनराइजर्स के ओपनर चल गए तब तो फिर बाजी मारना मुश्किल ही रहेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों मैं पिछले तीन मैच के अगर आपको टॉप परफॉर्मर्स बताऊं तो वो भी आपकी स्क्रीन के सामने। टॉप परफॉर्मर्स क्या है? IPL 2023 का मैच, IPL 2024 का मैच, ये जो पिछले तीन मैच हुए हैं रिसेंटली इन दोनों टीम्स के बीच में, उनके टॉप परफॉर्मर्स दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखे हैं, है ना। इनसे आपको पता लगेगा कि जब इन दोनों टीम्स का आमना सामना होता है तो कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करता है, तो उनको आप अपनी टीम में उठा पाओगे। जैसे कि ये वाला मैच था दोस्तों, इसमें यशस्वी जायसवाल ने 54 रनों की अच्छी पारी खेली, संजू सैमसन ने 55 रनों की अच्छी पारी खेली, हिटमैन ने 22 नॉट आउट की पारी खेली, नटराजन ने 2 विकेट लिए, मयंक अग्रवाल ने 27 रनों की पारी खेली, अब्दुल समद ने 32 नॉट आउट की पारी खेली, बोल्ट ने 2 विकेट लिए और चहल ने 4 विकेट लिए, ठीक है। ये दोस्तों मैंने सिर्फ उन प्लेयर्स को लिखा है जो कि अवेलेबल है इस मैच के लिए, जो कि आपको हो सकता है आज वाले मैच में खेलते हुए दिख जाए, है ना। ऐसे तो इस मैच में दोस्तों जोस बटलर ने भी अच्छी पारी खेली थी, लेकिन जोस बटलर का नाम मैंने यहाँ पर थोड़ी लिखा है क्योंकि जोस बटलर आपको खेलते हुए दिखेंगे नहीं, है ना। तो कचरा जो है ना वो मैंने इंक्लूड किया ही नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही इस वीडियो में इंक्लूड की है। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, सारी चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। बाकी यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल 2023 के दूसरे मैच में भी अच्छी परफॉर्मेंस की, 35 रनों की पारी खेली, संजू सैमसन ने 66 नॉट आउट की पारी खेली, अनमोल प्रीत सिंह सनराइजर्स हैदराबाद में है 33 रनों की पारी खेली थी, अभिषेक शर्मा ने 55 रनों की पारी खेली थी, राहुल त्रिपाठी ने दोस्तों 47 रनों की पारी खेली थी, हेनरिक क्लासन ने 26 रनों की, ग्लेन फिलिप ने 25 रनों की और युजवेंद्र चहल ने 4 विकेट लिए थे इस मैच में। ध्यान रखना चहल ने यहां पर भी 4 विकेट लिए, यहां पर भी 4 विकेट लिए आईपीएल 2023 के दोनों मैचों में हैदराबाद के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस की। लेकिन आईपीएल 2024 की अगर मैं बात करूं तो भाई ट्रेविस सेड ने 58 रनों की पारी खेली थी, नीतीश कुमार रेड्डी ने 76 नॉट आउट की अच्छी पारी खेली थी, हेनरिक क्लासन ने 42 नॉट आउट की अच्छी पारी खेली थी और उसके अलावा दोस्तों आवेश खान ने 2 विकेट लिए थे, जयसवाल ने 67 रनों की पारी खेली थी, रियान पराग ने 77 रनों की पारी खेली थी, भूवी ने दोस्तों 3 विकेट लिए थे, कमिंस ने 2 विकेट लिए थे, नटराजन ने 2 विकेट लिए थे, ठीक है। अब दोस्तों कुछ प्लेयर्स के अगर आप ऊपर नोटिस करो तो जयसवाल का नाम तीनों मैच में आया है, तीनों मैच में जो है जयसवाल ने हैदराबाद के अगेंस्ट अच्छी पारी खेली है, तो ये तो इंपॉर्टेंट पिक हो ही जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों सैमसन का नाम 2 मैचों में आया है, इसमें सैमसन पहली बॉल पे आउट हो गए थे, नहीं अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते थे अगर थोड़ा सा रुक जाते, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप देखोगे तो नटराजन का नाम यहां पर आया है, 2 मैच में नटराजन ने अच्छी परफॉर्मेंस कर रखी है राजस्थान के अगेंस्ट, है ना। उसके अलावा चहल का नाम दोस्तों इन दोनों मैच में है, लेकिन आईपीएल 2024 वाले मैच में मैं आपको बता दूं चहल की ठुकाई हुई थी बुरी तरीके से, 1 भी विकेट नहीं आया था हैदराबाद के अगेंस्ट और आड़े हाथ भी ले लिया था चहल को, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहां पर और किसका नाम रिपीट हो रहा है, हेनरिक क्लासन का हो रहा है, ठीक है। बस यही कुछ प्लेयर हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं आपकी टीम के लिए, ध्यान रख लेना इनको, एक बार आप वापस देखना चाहो तो वापस भी देख सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों ये अपने वीडियो के गिव अवे विनर्स के प्राइज मनी ट्रांसफर प्रूफ है, आज वाले वीडियो में भी गिव अवे आपके लिए, आपको कुछ भी नहीं करना, बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को पूरा देखना है, ये सारे काम आप कर लो। उसके बाद दोस्तों इन तीन सवालों का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, आप मैक्सिमम 3 कमेंट कर सकते हो, एक भी कमेंट में अगर आपके सही जवाब आ जाते हैं तीनों सवालों के तो आप गिव अवे के विनर बन जाओगे और आपको 500 रुपए सेंड कर दिए जाएंगे, एकदम सिंपल है ना। तो तुक्के में ही जवाब दे लो, मैं तो बोलता हूँ फ्री का पैसा कभी हाथ से मत जाने देना। बाकी सनराइजर्स हैदराबाद की दोस्तों जो पूरी स्क्वाड है वो आपकी स्क्रीन के सामने। इनकी दोस्तों टीम न्यूज की अगर मैं बात करूँ तो भाई ये विजयकांत व्यासकांत को तो खिलाया ही जा रहे हैं, वो बंदा ठीक है, यंग प्लेयर है, ठीक परफॉर्मर है, लेकिन भाई अब देखो ना एक नॉकआउट मैच, आई थिंक आज वाले मैच में विजयकांत व्यासकांत को ये बिठाई देंगे, मेरे को 90% ऐसी फील आ रही है कि इनको बिठा देंगे। लेकिन जस्ट इन केस मान लो कि चेन्नई में मैच है, यहाँ का जो पिच है वो स्लो रहता है ना, तो हो सकता है विजयकांत व्यासकांत को खिला भी लें क्योंकि काफी अच्छे लेगी हो जाते हैं ना, वो काफी अच्छे लेग स्पिनर हो जाते हैं, है ना। लेकिन अगर इनको बिठाना चाहें ये तो बिठा सकते हैं, एक ओवरसीज प्लेयर की जगह घेर रहे हैं, इनकी जगह ये एडन मरक्रम, मार्को येंसन या फिर ग्लेन फिलिप को खिला सकते हैं, एक काफी इंपॉर्टेंट मैच है ना, मेरे को ज्यादा चांसेज एडन मरक्रम के दिख रहे हैं आज वाले मैच में आने के, ठीक है। बाकी एक चीज मैं आपको आगे वीडियो में और एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करो। उसके अलावा दोस्तों देखो यार और कोई भी रिपोर्ट अपने पास अभी तक आई नहीं है सनराइजर्स की टीम की तरफ से, और वही बात है जब तक टॉस नहीं हो जाता तब तक अपने पास नई नई अपडेट आती रहेगी, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी जो मुझे लगेगा कि यार आपको जीतने में हेल्प कर सकती है वो मैं आपके साथ हमेशा की तरह अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर ही दूंगा, ठीक है। पॉसिबल प्लेइंग 12 देखते हैं तो हेड अभिषेक शर्मा, त्रिपाठी, नीतीश कुमार रेड्डी, क्लासन, अब्दुल समाद, कोई भी चेंज नहीं होने वाला, शहबाज अहमद में भी आई डोंट थिंक कि कोई चेंज है, पेट कमिंस भी खेलेंगे ही खेलेंगे, भूवी भी खेलेंगे ही खेलेंगे, नटराजन भी खेलेंगे ही खेलेंगे, ठीक है। अब दोस्तों बात आ जाती है विजयकांत व्यासकांत और मयंक मारकंडे में, है ना, दोनों लेग स्पिनर है। मेरे को क्या लग रहा है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ,
उसके अलावा इनमें डेफिनेटली मेरे को चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मैंने किए नहीं है क्योंकि ऑफिशियल अपडेट अपने पास अभी तक नहीं आई है कि भाई विजयकांत व्यासकांत खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे, ठीक है। बाकी मेरे को क्या लग रहा है कि लेग स्पिनर के रूप में आज मयंक मारकंडे को ये खिला सकते हैं और विजयकांत व्यासकांत को ये बिठा सकते हैं, और चूंकि इनके पास कोई भी ऑफ ब्रेक बॉलर नहीं है, है ना, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर इनके पास है ही नहीं, तो फिर विजयकांत व्यासकांत को बिठा के ये एडन वर्क्रम को खिला सकते हैं जो कि पार्ट टाइम ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को ये चेंज होता हुआ दिख रहा है, बाकी अगर होता है तो देखो टॉस के बाद ही पता लगेगा, और पता लगते ही मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। फिलहाल में दोस्तों हम बात करते हैं देखो इन्हीं 12 प्लेयर के सारे रिकॉर्ड के बारे में, तो एक बार पूरा फोकस यहां पर रखना आप, है ना। सबसे पहले दोस्तों ट्रेविस हेड की बात करूं तो लेफ्टी प्लेयर है, इनका जो रिकॉर्ड है आपके स्क्रीन के सामने, इस आईपीएल के सीजन में आने से पहले 111 मैच खेले थे T20 में, है ना, 2600 प्लस रन, 28 प्लस का बैटिंग एवरेज। इस सीजन में दोस्तों इनकी जो परफॉर्मेंस है वो आपके स्क्रीन के सामने है। पिछले जो दोस्तों दो मैच गए हैं ट्रेविस हेड के, दोनों ही मैच में दोस्तों बंदा डक पे आउट हुआ है, ये बात ध्यान से देखो, ठीक है। और दोनों ही मैच में दोस्तों एक चीज और कॉमन है कि दोनों ही मैच में जो है लेफ्ट आर्म पेसर को जो है इस बंदे ने अपना विकेट दिया है, तो ध्यान रखना आज वाले मैच में भी एक लेफ्ट आर्म पेसर होंगे इनके अगेंस्ट जिनका नाम है ट्रेंट बोल्ट, जो कि पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे। लेकिन दोस्तों ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट एक्चुअल में ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, 200 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ ट्रेंट बोल्ट को ये हैंडल कर लेते हैं, तो मेरे को लगता नहीं है कि बोल्ट को अपना विकेट देके जाएंगे। लेकिन आप पिछले दो मैच में ये लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट डक पे आउट हुए हैं, है ना। उसके अलावा दोस्तों देखो ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड अच्छा है इस सीजन में, पहले बैटिंग करते हुए तो बहुत ही अच्छा है। अगर आज वाले मैच में भी हैदराबाद जस्टिन केस मान लो कि पहले बैटिंग करती है ना, तो ट्रेविस हेड आपकी टीम के एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अभिषेक शर्मा की अगर मैं बात करूं तो लेफ्टी प्लेयर है, इनका जो रिकॉर्ड है वो आपकी स्क्रीन के सामने है, है ना। इस सीजन में दोस्तों इन्होंने भी काफ़ी अच्छी अच्छी पारियां खेली है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बस ऐसा है कि थोड़ा सा टिकते नहीं है किसी भी मैच में। एक मीम भी वायरल हो रहा है अगर आपने देखा हो तो, अभिषेक शर्मा ने किसी भी मैच में 30 से ज़्यादा बॉल तो खेली नहीं है, मतलब कि टिकते नहीं है, आते ही मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे जो प्लेयर होते हैं ना जो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, आते ही मारने की कोशिश करते हैं, उनको अपनी स्मॉलर की टीम में उठाना जरूरी हो जाता है क्योंकि वो गेम चेंज कर सकते हैं कभी भी, है ना। बाकी इन दोनों को ही हम अपनी स्मॉलर की टीम में उठाएंगे, लेकिन ग्रैंड लीग की टीम की अगर मैं बात करूँ तो एक आधा चेंज आप कर सकते हो कि एक आधी टीम में आप इसको ड्रॉप कर सकते हो, एक आधी टीम में आप इसको ड्रॉप कर सकते हो, और फिर राहुल त्रिपाठी को ट्राई कर सकते हो। स्मॉल लीग की टीम में हो सकता है मैं राहुल त्रिपाठी को ट्राई नहीं करूं, लेकिन चूंकि बंदा अच्छी फॉर्म में चल रहा है, अगर आप देखोगे तो जब से वापस आया है, है ना, यहां पर इसको खिलाया गया, उसके बाद इनको रेस्ट दिया गया टोटल, फिर पिछले दो मैच से खिलाया जा रहा है, दोनों ही मैच में अच्छी पारी खेल चुके हैं, पिछले मैच में तो 50 भी आई थी, है ना। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ, आप ग्रैंड लीग की एक टीम में एक काम करना कि अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करना, एक टीम में ट्रेविस हेड को ड्रॉप करना, और उन टीम्स में राहुल त्रिपाठी को जरूर ट्राई करना। उसके अलावा दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है मैं अपनी टीम में नहीं रखूँ। हालांकि दोस्तों इस बंदे ने राजस्थान रॉयल्स की टीम के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्मेंस किया था टॉप परफॉर्मेंस के टाइम पर, मैंने आपको बताया है ना, लेकिन पिछले मैच में भी अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बोला था कि यार नीतीश कुमार रेड्डी को उठाने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है, और पिछले मैच में भी इस बंदे ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं की थी, वो तो एक तरीके से सेफ ज़्यादा सेफ खेलने के चक्कर में आई थिंक नीतीश कुमार रेड्डी को उठा लिया था। बाकी आज वाले मैच में आई डोंट थिंक मैं नीतीश कुमार रेड्डी को उठाने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको सेफ खेलना हो तो डेफिनेटली आप उठा सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, ठीक है। हेनरिक क्लासन को दोस्तों डेफिनेटली मैं अपने स्मॉल लीग टीम में उठाने वाला हूँ, कोई डाउट नहीं है, विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देंगे, बैटिंग से भी पॉइंट देंगे, इस सीजन में अच्छा कर रहे हैं तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। अब्दुल समद को दोस्तों, शहबाज अहमद को, इन दोनों को मैं अपनी स्मॉल लीग टीम में नहीं उठाऊंगा। शहबाज अहमद का दोस्तों एक्चुअली पिछले मैच में तो जैसे बॉलिंग भी नहीं मिली, है ना, बैटिंग आने के चांसेस भी कम रहते हैं क्योंकि बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा डाउन है, तो अपनी टीम में नहीं उठाऊंगा। और अब्दुल समद के भी कई बार बैटिंग आती है, कई बार नहीं आती है, बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा डाउन रह गया, तो अपनी स्मॉल लीग टीम में उठाने का सेंस नहीं है। पैट कमिंस को दोस्तों हम जरूर उठा सकते हैं क्योंकि बॉलिंग तो करेंगे ही करेंगे, चार ओवर, ऊपर से कई बार बैटिंग कोलैप्स होने पे बैटिंग भी कर देते हैं नीचे आके, जैसे कि पिछले मैच में 30 रनों की पारी खेली थी, अच्छे पॉइंट दे गए थे, है ना, ऊपर से बॉलिंग करेंगे एक आधा विकेट निकाल लेंगे तो फिर बल्ले बल्ले ही है, तो पैट कमिंस एक्चुअली सेफ पिक हो जाते हैं टीम के लिए। उसके बाद दोस्तों अपने पास विजयकांत व्यासकांत का ऑप्शन है जिसको मैं अपनी स्मॉल लीग की टीम में नहीं उठाऊंगा, है ना, तीन मैच खेले हैं, एक विकेट लिया है, यंग प्लेयर है, लेकिन चलो ठीक है यार, कब तक ये खिलाते रहोगे, इंपॉर्टेंट मैच है, इनकी जगह एडन वर्क्रम को अगर खिला लेते हैं ना आज, तो फिर मरकरम को मैं डेफिनेटली अपनी टीम में उठाने वाला हूँ, उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों भूवी हैं, मयंक मारकंडे हैं, टी नटराजन है, अगर तीन में से किसी एक प्लेयर को बताऊं जिनको मैं अपनी टीम में उठाऊंगा ही उठाऊंगा तो उनका नाम आ जाता है टी नटराजन। लेफ्ट आर्म पेसर है, अच्छे बॉलर हैं, डेथ में भी बॉलिंग करेंगे, विकेट निकाल के दे सकते हैं, इस सीजन में निकाले इन्होंने अच्छे खासे विकेट निकाले हैं, ठीक है। तो एक बॉलर तो मेरी ये टीम में फिक्स रहने वाले हैं स्मॉल लीग में। बाकी दोस्तों इन दोनों में से किसे मैं अपनी टीम में उठाऊंगा वो डिपेंड करेगा एक्चुअली पिच के नेचर के ऊपर, हो सकता है दोनों को भी ना उठाऊं, है ना, लेकिन अगर मान लो पिच ऐसा आ जाता है कि हाँ भाई थोड़ा सा स्लो रहने वाला है, पिच में क्रैक्स हैं, तब फिर मैं मयंक मारकंडे को उठाने का देख सकता हूँ, एक काफ़ी अच्छा लेग स्पिनर है, सामने जो राइट हैंड बैट्समैन है उनको परेशान कर सकते हैं। तो मयंक मारकंडे एक्चुअली मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा टॉस होने के बाद कि आप लोगों के लिए अच्छे पिक है कि नहीं है, बाकी स्मॉल लीग की टीम में तो आप नहीं भी उठाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पिच में क्रैक्स होते हैं ना तो फिर मयंक मारकंडे आप लोगों के लिए ट्रंप कार्ड निकल सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, चिंता मत करो पिच को देखने के बाद, ठीक है। बाकी वो बात हो जाती है दोस्तों सनराइजर्स की, अब अपन बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। तो यार इनकी जो टीम न्यूज है वो भी आपके स्क्रीन के सामने, जोस बटलर तो वापस जा ही चुके हैं
उसके अलावा दोस्तों ये चीज मैंने लिखी है कि देखो चेन्नई में मैच रह गया ना, तो यार फिर कुछ कह नहीं सकते, पिच स्लो भी बिहेव कर सकता है। और अगर पिच मान लो कि स्लो निकल जाता है ना, जो कैप्टन है वो टॉस के टाइम पे अगर मान लो डिसाइड करता है कि जो पिच है वो स्लो है, तो उस टाइम पे वो क्या कर सकता है कि राजस्थान रॉयल्स की टीम केशव महाराज को भी बुला सकती है प्लेइंग 11 में। केशव महाराज भी इनके पास अवेलेबल है, ठीक है। उसके अलावा तो फिर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में देखो रमन पवल और वो नांद्रे बर्गर हो ही जाते हैं, जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको बुला लेंगे, ठीक है। उसके अलावा और कोई रिपोर्ट अपने पास है नहीं, और वही बात है यार, देखो जब तक टॉस नहीं हो जाता नई नई अपडेट आएगी, कोई इंपॉर्टेंट होगी तो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। पॉसिबल प्लेइंग 12 देख लेते हैं दोस्तों, तो इनके पास से यशस्वी जायसवाल, टॉम कोलर, केडमोर है ना, संजू सैमसन, रियान प्राग, हेटमायर, जुरेल, मेरे को कोई चेंज इसमें होता हुआ दिख नहीं रहा। बस रमन पवल का है कि अगर मान लो राजस्थान रॉयल्स की टीम पहले बैटिंग करी है ना, इन्होंने पूरे 20 ओवर खेल दिए यहाँ पर टॉप 5 में ही, तो फिर रमन पवल की जरूरत ही नहीं है, तो फिर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में ये नांद्रे बर्गर को या केशव महाराज को बुला लेंगे। लेकिन अगर मान लो बैटिंग कोलैप्स हो जाती है और बैटिंग में इनको जरूरत पड़ती है, तो फिर ये रमन पवल को बुला लेंगे इंपैक्ट प्लेयर के रूप में, ठीक है। तो वो वाली बात है। उसके अलावा दोस्तों अश्विन अन्ना, युजवेंद्र चहल, आवेश खान, ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा, इनमें तो आई डोंट थिंक कोई भी चेंज होने वाला है। और ऊपर से दोस्तों अश्विन मैं आपको बता दूं अपने होम ग्राउंड में खेलने वाले हैं चेन्नई में, है ना, और यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। आप अंडर एस्टिमेट मत कर देना रविचंद्र अश्विन को आज वाले मैच में, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों, देखो यार इन्हीं 12 प्लेयर के सारे रिकॉर्ड के बारे में, लेकिन उससे पहले देखो यार आपने हमारा इतना वीडियो देख लिया, मतलब डेफिनेटली पसंद आ रहा है, पसंद आ रहा हो तो यार वीडियो को लाइक कर ही देना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, है ना। यहाँ पर दोस्तों देखो सबसे पहले अपने पास जायसवाल का नाम आता है, 82 मैच है, लेफ्ट हैंड बैटर है, इनका जो रिकॉर्ड है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। पिछले मैच में दोस्तों आरसीबी के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस आई थी, 45 रन होगी। उससे पहले दोस्तों देखो ये सीजन इनका हॉट एंड कोल्ड जरूर गया है जायसवाल का, लेकिन चूंकि एक टैलेंटेड प्लेयर है और रिसेंटली जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, तो डेफिनेटली हम अपनी स्मॉली की टीम में उठाने का देखेंगे, है ना। लेकिन ग्रैंडली की एक टीम से डेफिनेटली आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि क्या पता पावर प्ले के अंदर इनका विकेट निकाल ले जाए। भूवी तो आई थिंक आज तक जायसवाल को उतना ज्यादा परेशान किया नहीं है भूवी ने तो, लेकिन कोई ना कोई निकाल सकता है। जैसे मान लो नटराजन को दी गई बॉलिंग है ना, लेफ्ट आर्म पेसर है वो, लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट जायसवाल ने इस सीजन में स्ट्रगल किया है थोड़ा सा, तो उनको अपना विकेट दे सकते हैं। तो आप ग्रैंडली की एक आधी टीम से इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग की टीम से आई डोंट थिंक आपको ड्रॉप करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ केडमोर की, तो अगर आप ग्रैंडली की टीम से मान लो कि जायसवाल को ड्रॉप कर रहे हो ना, तो फिर केडमोर को जरूर उठा लेना, काफी हार्ड हिटिंग प्लेयर है। इस सीजन में ज्यादा मौके मिले ही नहीं है, क्योंकि पहले तो बटलर खेल रहे थे, है ना, दो मैच में मौका मिला है उसमें ज्यादा कोई खास परफॉर्मेंस आई है, लेकिन केडमोर एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो ग्रैंडली की टीम में जहां पर इनको ड्रॉप करने का आप रिस्क ले रहे हो, तो वहां पर आप इनको पिक करने का भी रिस्क ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सैमसन हो जाते हैं, रियान प्राग हो जाते हैं, ये दोनों तो अपनी टीम में रहने ही रहने वाले हैं, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। संजू सैमसन ने दोस्तों लास्ट जब हैदराबाद के अगेंस्ट मैच खेला था इस सीजन में, तब तो जो है डक पे आउट हो गए थे, लेकिन पिछले सीजन में जो दो मैच खेले थे दोनों मैच में अच्छी परफॉर्मेंस आई थी टॉप परफॉर्मेंस के टाइम पे, ये बात मैंने आपको बताई है ना। और डेफिनेटली यार देखो संजू सैमसन एक इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं, अपने आप पिक हो जाते हैं, विकेट कीपिंग से भी पॉइंट ले सकते हैं, है ना। और ऊपर से रियान पराग का ये जिस तरीके का सीजन जा रहा है, हर एक मैच में ही बंदा अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है ना। ऊपर से सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट 77 रनों की पारी खेली थी, ये वाला जो मैच है ना ये हैदराबाद के अगेंस्ट वाला है, रेगुलरली अच्छी परफॉर्मेंस कर ही रहे हैं आप देखो ना, 47 नॉट आउट 48 है ना। पिछले मैच में भी 36 रनों की पारी आई थी, उससे पहले भी अगर आप देखो 43 84 54, है ना, अच्छी अच्छी पारियां आ रही है। डेफिनेटली यार रियान प्राग एक इंपॉर्टेंट पिक हो ही जाते हैं टीम के लिए। इवन मैं तो बोलूंगा अगर आपको हल्का सा रिस्क लेना हो ना, तो रियान प्राग को आप वाइस कैप्टन भी बना सकते हो, वाइस कैप्टन तक का बोल सकता हूं मैं, है ना। उसके बाद दोस्तों नीचे मैं किसी को भी अपने इन तीनों को तो अपनी टीम में नहीं रखूंगा स्मॉल की टीम में, क्योंकि तीनों का ही फिक्स नहीं है, नहीं तो बैटिंग ऑर्डर फिक्स है, नहीं कितनी बैटिंग मिलेगी वो फिक्स है ना, बैटिंग मिलेगी तो अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे वो भी फिक्स नहीं है, क्योंकि तीनों ही पावर हिटर की कैटेगरी में आ जाती है ना। और डाउन द ऑर्डर जो पावर हिटर आते हैं ना, उनको हम अपनी स्मॉल की टीम में नहीं रखते हैं। जैसे कि मान लो केकेआर की टीम है, सॉरी उनका मान लो मुंबई इंडियंस की टीम है, तो टिम डेविड है ना, उनको हम अपनी स्मॉल की टीम में ज्यादातर नहीं रखते हैं, क्योंकि डाउन द ऑर्डर आते हैं, बॉलिंग भी नहीं करते हैं। केकेआर में तो रसल आते हैं डाउन द ऑर्डर, लेकिन वो बॉलिंग भी करते हैं, उसलिए अपनी टीम में उठाते हैं उनको, है ना। इन तीनों में से कोई बॉलिंग भी नहीं करेगा, डाउन द ऑर्डर आएंगे। बैटिंग में भी इस सीजन में ऐसा है कि हॉट एंड कोल्ड परफॉर्मेंस आई है, तो अपनी टीम में उठाने की कोई खास जरूरत है नहीं। बाकी रविचंद्र अश्विन को दोस्तों हम अपनी टीम में उठाएंगे, ये सीजन इनका उतना कुछ खास नहीं किया है, रेगुलरली विकेटलेस गए थे इस सीजन के स्टार्टिंग में तो, लेकिन फिर भी हम अपनी टीम में उठाएंगे, क्योंकि इनका होम ग्राउंड है ये, और होम ग्राउंड में ये बंदा अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है, रविचंद्र अश्विन अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ध्यान रखना चेन्नई में इन्होंने बहुत क्रिकेट खेला है अश्विन ने, है ना, और इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है, आप मानो चाहे न मानो, है ना। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो अपने पास सैंडी का ऑप्शन आ जाता है, बोल्टी का ऑप्शन आ जाता है, आवेश खान और युजवेंद्र चहल है, ठीक है। इन चारों में से दोस्तों देखो यार, युजवेंद्र चहल ने सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट पिछले सीजन दो मैच खेले थे, उनमें 8 विकेट निकाले,
लेकिन इस सीजन बहुत गंदी ठुकाई हुई थी हैदराबाद के अगेंस्ट, है ना। पिछले मैच में भी दोस्तों इकोनॉमी रेट थोड़ी सी हाई थी युजवेंद्र चहल की, तो ऐसा कह सकते हैं थोड़ा सा आउट ऑफ टच है। तो अगर आप चहल को ड्रॉप करने का रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना अगर जो पिच है वो थोड़ा सा स्लो रहता है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, पिच रिपोर्ट आने दो, टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर दूंगा कि पिच में क्रैक्स हैं कि नहीं है, तो अगर वैसा होता है तो फिर आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं इन तीन पेसर्स की बात करूँ तो आवेश खान, पिछले मैच में भी मैंने आपको बताया था वीडियो, अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको बोला था गेम चेंजर साबित हो सकता है, ट्रंप कार्ड निकल सकता है, और इस बंदे ने कितने विकेट निकाले, फिर 3 विकेट निकाले। जिन्होंने वीडियो ध्यान से देखा होगा उन्होंने फायदा उठाया होगा। देखो सीधी सी बात है, वीडियो होते हैं इंपॉर्टेंट, एनालिसिस होती है इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखोगे फायदा मिलेगा, ठीक है। आज वाले मैच का भी दोस्तों बोल सकता हूँ कि निकल सकता है ट्रंप कार्ड, क्योंकि डेथ में एक्चुअली थोड़ी सी ऐसी बॉल ये डाल सकता है, इकोनॉमी रेट हाई रह सकती है लेकिन विकेट निकाल सकता है, ठीक है। इन्होंने दोस्तों हैदराबाद के अगेंस्ट भी जब मैच खेला था 2 विकेट निकाले थे, टॉप परफॉर्मेंस के टाइम पे मैंने आपको बताई ये बात, है ना। तो आप चाहो तो अपनी टीम में उठा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा रिस्की रहेगा। सेफ चॉइस रहेंगे ट्रेंट बोल्ट, जिनको आप अपनी टीम में उठा सकते हो, 3 ओवर ये पावर प्ले के अंदर करवाएंगे, और पिछले मैच में तो भाई आर्स अगेंस्ट क्या टाइट बॉलिंग इन्होंने की थी, 3 ओवर में आई थिंक इन्होंने कितने रन दिए थे, 6 या 7 रन ही दे दिए, है ना, और विकेट भी निकाला था, काफी तगड़ी बॉलिंग की थी पावर प्ले के अंदर। बाकी आज वाले मैच में दोस्तों देखो, चूंकि वो है क्या नाम है उनका, ट्रेविस हेड, जिनका रिकॉर्ड है बोल्ट के अगेंस्ट अच्छा है, तो हो सकता है थोड़ा सा परेशान होता है। बाकी सैंडी है दोस्तों, आई थिंक मैं संदीप पे रिस्क लेने वाला हूँ, अपनी टीम में उठाने वाला हूँ। पिछले मैच में 1 विकेट आया था लास्ट के ओवर में आया था, और थोड़े से एक्सपेंसिव रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा सा आई थिंक संदीप शर्मा पे ट्रस्ट दिखाने वाला हूँ आज वाले मैच में, और उठा सकता हूँ, है ना। बाकी अगर आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, उनकी जगह आवेश खान आपके पास ऑप्शन है, ट्रेंट बोल्ट आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। ये बात हो जाती है दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की भी, तो दोनों टीम के जितने भी प्लेयर थे उनके जितने भी रिकॉर्ड थे उन सब की बात हो चुकी है। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल्स की बात कर लेते हैं, तो एक्चुअली यार देखो ये कुछ प्लेयर बैटल्स हैं, ज्यादा फोकस मत करना इनके ऊपर, क्योंकि इनमें कुछ अपडेट भी हैं, है ना, और जो अपडेट है ना वो मैं आपको एक्चुअली टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। लेकिन ऊपर ऊपर से अगर आप फोकस कर लो बटलर के, तो दोनों प्लेयर बैटल हटा दो, कोई सेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्लासन जो है चहल के अगेंस्ट अच्छा खेल लेते हैं, 41 बॉल में 93 रन, बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट है, लेकिन 2-3 बार अपना विकेट भी दे चुके हैं, तो क्लासन को फंसा सकते हैं चहल, थोड़ा सा ऐसा समझ लेना, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों शहबाज अहमद के प्लेयर बैटल का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि शहबाज अहमद की बैटिंग नहीं आई, आती भी है तो बोल्ट फंसा देंगे, इतनी सी बात है। सैमसन को दोस्तों भूवी ने जो है अच्छा खासा बार आउट कर रखा है, पिछले मैच में भी अगर आपको पता हो तो हैदराबाद के अगेंस्ट जो मैच हुआ था सैमसन को भूवी लेके गए थे, पहली बॉल पे ही लेके चले गए थे, है ना, तो सैमसन भुवनेश्वर के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। उसके बाद दोस्तों रियान पराग है नटराजन के अगेंस्ट, थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, त्रिपाठी हैं बोल्ट के अगेंस्ट करते हैं, है ना। आज वाले मैच में ध्यान रखना त्रिपाठी ने अच्छी पारी जरूर खेली है, लेकिन बोल्ट अगर बोल्ट पावर प्ले में 1 विकेट निकाल जाते हैं ना स्टार्टिंग में, तो त्रिपाठी आएंगे और पावर प्ले में बोल्ट बॉलिंग करेंगे, तो त्रिपाठी का भी विकेट निकाल सकते हैं। अगर बोल्ट ने पावर प्ले के अंदर 1 विकेट निकाल लिया तो मोस्ट प्रोबेबली वो दूसरा भी निकाल सकते हैं पावर प्ले के अंदर अंदर ही, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों त्रिपाठी एक्चुअली चहल के अगेंस्ट भी करते हैं, कि मान लो कि बोल्ट के अगेंस्ट वो बच गए तो फिर चहल के अगेंस्ट अपना विकेट देके जा सकते हैं, 44 बॉल में 2 बार अपना विकेट दे चुके हैं। और उसके अलावा दोस्तों समद है जो कि चहल के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, 11 बॉल में 2 बार अपना विकेट दे चुके हैं, ठीक है। चहल ने दोस्तों इस सीजन में जो है जो मैच हुआ था हैदराबाद के अगेंस्ट उसमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की, ये बात वापस बता रहा हूँ, लेकिन पिछले सीजन जो 2 मैच हुए थे दोनों मैच में चहल ने अच्छी परफॉर्मेंस की थी, तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों ये जो प्लेयर बैटल है ना ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपकी टीम के लिए, इनको ध्यान में रखना जब भी आप अपनी स्मॉल लीग टीम बनाओ, चाहे फिर आप अपनी ग्रैंड लीग टीम बनाओ, ठीक है। अब दोस्तों देखो यार अब तक इस वीडियो में हम इसमें से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख चुके हैं, बहुत सारी बातें कर चुके हैं, बहुत अच्छे एनालिसिस कर चुके हैं, है ना। अब इस वीडियो में दोस्तों देखने के लिए सिर्फ एक चीज बाकी है, और वो है इस मैच की टीम। तो जैसा कि यार मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो में हम इस मैच की एक टीम बना के देखेंगे, वही प्रॉमिस दोस्तों मैं अपना पूरा कर लेता हूं। मैं आ जाता हूं दोस्तों अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, और मेरे मोबाइल की स्क्रीन भी आपको अपने साइड स्क्रीन पर दिख पा रही होगी, ठीक है। ये दोस्तों मैंने अपना फोकस 11 एप्लीकेशन ओपन कर लिया, क्योंकि मैं तो यहीं पर इन्वेस्ट करता हूं, मेरा हाई इन्वेस्टमेंट यहीं पर रहता है, और मैं तो आपको भी यही सजेस्ट करूंगा, है ना। आज वाला मैच मैंने ओपन कर लिया है, इसमें दोस्तों एक्चुअली आपको 10,000 रुपये का गिव अवे भी दिख जाएगा आज वाले मैच में, तो अगर आपने ये ज्वाइन नहीं किया हो तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कॉम्पिटिशन कम आसानी से जीत सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। और उसके अलावा दोस्तों देखो यार आप लोगों के लिए 25,000 रुपये की ग्रैंड लीग चल रही है, जिसमें ओनली कितने लोग हैं, ओनली 45 लोग हैं, बहुत कम कॉम्पिटिशन की ग्रैंड लीग है ना। अगर आपको लो एंट्री फीस वाली चाहिए तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये जो 6 प्लेयर फैंटेसी है, जो 5+1 फैंटेसी है ना, वो तो कमाल की चीज़ है ना। देखो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ फीचर्स वगैरह के बारे में, अगर आप डाउनलोड करना चाहो प्रॉफिट कमाना चाहो तो इसको डाउनलोड कर लेना, फोकस 11 की डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी मैं आपको टीम बना के दिखा देता हूँ, सेम टीम दोस्तों आप किसी और एप्लीकेशन पर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों देखो यार हम अपनी टीम के बारे में, लेकिन टीम बना के मैं आपको दिखाऊं उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार वापस बता देता हूं मेरे भाई कि ये जो भी टीम अपनी इस वीडियो में बनेगी ये अपनी फाइनल टीम नहीं है, इसको कॉपी मत कर लेना, इसको छाप मत लेना, नहीं तो आप अपना नुकसान करवा सकते हो, है ना। अपनी जो फाइनल टीम होगी दोस्तों वो टॉस के बाद बनेगी, और वो जो भी बनेगी वो आपके साथ हमेशा की तरह टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर की जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल भी दोस्तों आपको अपने साइड स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा, फिलहाल में आप खुद देख सकते हो 1,92,000 1,92,000 से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं,
और रेगुलरली फायदा उठा रहे हैं टीम्स और अपडेट्स का, है ना। अगर आप इनमें से नहीं हो तो मेरे भाई आपका मोस्ट वेलकम है। टेलीग्राम चैनल की जो ज्वाइनिंग लिंक है आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, उस पर क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों, देखो यार हम अपनी टीम के बारे में, तो स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं फटाफट से, ज़्यादा अपन रिस्क नहीं लेंगे, एनालिसिस हमने कर ली है, टीम बना लेते हैं। तो विकेट कीपर सेक्शन से दोस्तों सैमसन और क्लासन में दोनों को अपनी टीम में उठा रहा हूँ। बैटिंग सेक्शन से दोस्तों हेड को उठाऊंगा, अभिषेक शर्मा को उठाऊंगा, जयसवाल को उठाऊंगा, है ना। ग्रैंड लीग की टीम्स के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि एक आधी टीम से आप अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करना, एक आधी टीम से आप जयसवाल को भी ड्रॉप करना। जयसवाल क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर से कतरा है, क्या पता नटराजन निकाले जाएं, और अभिषेक शर्मा देखो हॉट एंड कोल्ड चल रहे हैं, अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करो तो त्रिपाठी को उठाना, वो सारी बातें अपन डिस्कस कर चुके हैं, है ना। बाकी उसके अलावा दोस्तों बैटिंग सेक्शन से अगर जस्ट इन केस एडन मरकरम आज वाले मैच में खेलते तो मरकरम को मैं अपनी टीम में उठा सकता हूँ। उसके अलावा तो दोस्तों हम अपनी स्मॉल लीग टीम में किसी और को नहीं ट्राई करेंगे, ठीक है। ग्रैंड लीग की टीम से मैंने आपको बता दिया है, अभिषेक शर्मा या हेड में से किसी को ड्रॉप करो तो त्रिपाठी को अपनी टीम में उठाना, जयसवाल को अपनी टीम में ड्रॉप करो तो कैडमोर को अपनी टीम में उठाना है, ठीक है। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में आते हैं तो दोस्तों ऑलराउंडर से रियान पराग और रविचंद्र अश्विन में दोनों को अपनी टीम में उठा रहा हूँ। ध्यान रखना रविचंद्र अश्विन को मैं अपनी टीम में उठा रहा हूँ क्योंकि उनका होम ग्राउंड है, यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस वो कर सकते हैं। अगर आपको ड्रॉप करना हो आप कर सकते हो, इनकी जगह आप फिर नीतीश कुमार रेड्डी को ट्राई कर सकते हो, लेकिन रेड्डी को मैं एक बार के लिए ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों और कोई है नहीं उठाने लायक। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, ठीक है। अब बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों देख लो, चार बॉलर मैं अपनी टीम में उठाऊंगा, चार कौन कौन से प्लेयर्स को उठाने वाला हूँ वो आप एक बार से ध्यान दे लो, बाकी उनमें चेंज हो सकते हैं, बॉलिंग सेक्शन में मेरे चेंज हो सकते हैं, ठीक है। एक तो दोस्तों मैं पैट कमिंस और टी नटराजन को उठाऊंगा, दूसरा दोस्तों मैं एक बार के लिए चहल के ऊपर भरोसा दिखा रहा हूँ, संडी के ऊपर भरोसा दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी ध्यान रखना इनमें चेंजेस हो सकते हैं, मेरी जो टीम है एक बार के लिए वीडियो के लिए जो टीम है वो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, लेकिन इनमें ध्यान रखना मैं बोल्ट को ट्राई कर सकता हूँ, उसके अलावा मैं ट्राई कर सकता हूँ आवेश खान के ट्राई करने का मेरा पूरा मन भी है। अगर उनको ट्राई करना होगा मैं चहल या संदीप को ड्रॉप करूंगा और उनको उठाऊंगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये चेंज मैं कर सकता हूँ। उसके अलावा दोस्तों देखो और कोई भी चेंजेस होंगे अपनी इस टीम में तो वो आपके साथ टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए जाएंगे, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। फिलहाल में दोस्तों हम बात करते हैं देखो कैप्टन और वाइस कैप्टन की, नहीं ग्यारह प्लेयर में, है ना। लेकिन उससे पहले देखो यार अपना जो वीडियो है वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। अगर आप में से किसी भाई ने यार अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जाते जाते मेरे भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कैप्टन वाइस कैप्टन दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली, अगर सनराइजर्स की टीम पहले बैटिंग करती है तो ट्रेविस हेड है, अदरवाइज आप लोगों के लिए देखो रियान पराग, संजू सैमसन, है ना, ये अच्छी चॉइसेज में आ जाते हैं, इवन हेनरिक क्लासन भी, ठीक है। बाकी दोस्तों देखो यार कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेज में भी कोई चेंजेस होंगे, कोई अपडेट होंगे तो वो भी मैं आप लोगों के साथ टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर कर पाऊंगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। फोकस 11 आप डाउनलोड कर लेना, इसकी डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा।